पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। Many, many happy returns of the day, Bhabhi. Thank you so much, Rashi. अब पूरा हुआ हमारा परिवार। अगर सोनल बहन ने शाम को उनके घर में पार्टी नहीं रखी होती ना तो मैं यहाँ चाल में करती मस्त तेरी बर्थडे पार्टी, खूब हंगामा करते। सच कहो, मेरी भी वही इच्छा थी। चल कोई बात नहीं, कभी कभी माँ की इच्छा का मान भी रखना चाहिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Deepti, happy birthday to you. माँ, मैंने आपके लिए रिगन गिफ्ट सोच लिया है, हाथ शाल। हम कहीं से भी आपके लिए अरेंज करेंगे हाथ शाल, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। तो मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेती है रे? आज शाम को तो पार्टी में पटोरा पहनने वाली है ना, वही है मेरी रिटर्न गिफ्ट। अरे वाह चिराग, ये शर्ट तो तुझ पे बहुत जचेगा, और ऊपर से पापा के शर्ट के डिजाइन से बिल्कुल अलग है, तो कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। ये ले, मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। छी, मैं ऐसे शर्ट पहनता ही नहीं। तो ठीक है। अरे ऐसे गिफ्ट देकर भी कोई वापस लेता है क्या? पर चिराग, ये तुझे पसंद नहीं है। पर तुझे तो पसंद है ना, और फिर तू इतने प्यार से दे रही है तो कैसे मना कर सकता हूँ? नहीं चिराग, इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके, मैं ये शर्ट हमेशा संभाल के रखूंगा। अरे वाह, अरे वाह लुच्ची लोमड़े, मस्त शर्ट है रे, कब लिया? पन्नो ने दिया था बर्थडे पे, मुझे इतना पसंद नहीं था तो कभी पहना नहीं। रेडी चले? झकास लग रहा है तू, एकदम हीरो जैसा। ओ जो तो वो कितनी प्यारी लग रही है रे, कहीं हमारी नजर न लग जाए, है ना? लेकिन तेरा ये पटोड़ा देख के ना, कलावती बहन का पटोड़ा याद आ गया, अचानक से टेंशन बढ़ गया। आप टेंशन मत लीजिए माँ, सब हो जाएगा, अभी हमें निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। अरे मैं राशि को फोन लगाती हूँ, वो तैयारी होगी, तुम लोग चलो मैं उसे लेकर आती हूँ। जा Thank you.
हाँ मम्मी। वैसे हम लोग निकल रहे हैं बेटा, आना नहीं है? आना तो है लेकिन डैड के साथ। तुझे पता है तू क्या बोल रही है? उसे निमंत्रण नहीं है ना सोनल बहन की ओर से और ना ही मेरी ओर से। ठीक है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। ये ज्यादा हो रहा है राशि। मम्मी अब जो है सो है, वैसे भी मैंने कल रात में भाभी को बर्थडे विश कर दिया था। तुम सब लोग जाओ, मैं डैड के बिना नहीं आऊंगी बर्थडे पार्टी में। भले माता। तुम जाओ बेटा उनके साथ। नहीं डैड, जब मैं वहां रहती थी तब की बात अलग थी, अब मैं यहाँ रहती हूँ। अगर मुझे बुलाया तो आपको भी बुलाना चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आप मेरी फैमिली हो। अगर आपको नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। जय अम्बे। जय अम्बे। ओ माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू डार्लिंग। थैंक यू डैड, ब्लेस यू। आज के दिन क्यों पटोड़ा पहना बेटा? आज कुछ ऐसा पहन लेती ना जिससे तुम यंग और मॉडर्न लगो। एनीवे यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू मॉम। अरे भाई, वेयर इज माय प्रिंसेस? अब बड़ी प्रिंसेस ये रही आपके सामने, और वो छोटी वाली जरा किसी काम से बाहर गई। मैंने फोन कर दिया है तो फ्री होते ही पहुंच जाएगी यहाँ पर। आइए ना सब लोग, आइए आइए। कम कम। हाय मनीष अंकल। राशि बेटा, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं यहाँ पर। वेयर आर यू? मम्मी कह रही थी कि तुम कहीं बाहर गई हो। एक्चुअली अंकल, मैं घर पे ही हूँ। शायद मम्मी ने सवाल टालने के लिए ऐसा बोल दिया होगा। वो डैड इनवाइटेड नहीं है ना बर्थडे पार्टी में, इसलिए उन्हें छोड़कर मैं नहीं आना चाहती। कम ऑन राशि बेटा, इट्स नॉट डन। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर वो यहां पर आएंगे तो चीजें कितनी ऑकवर्ड हो जाएगी। कम ऑन, तुम्हारे बिना हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जल्द से जल्द आ जाओ। ऑलराइट? नहीं मनीष अंकल, मैं डैड के बिना नहीं आना चाहती। प्लीज एक्सक्यूज मी। क्या मैं तुम्हारे डैड से बात कर सकता हूँ? या श्योर डैड, मनीष अंकल बात करना चाहते हैं। यस मिस्टर परीख। दिलीप जी, राशि जिद कर रही है कि अगर आप यहां पर आएंगे तो ही वो दीपू की बर्थडे पार्टी में आएगी। हमने आपको इनवाइट नहीं किया है, यू नो द रीजन व्हाई। अब बच्ची की जिद है तो उसे रिस्पेक्ट देना तो बनता है। So why don't you join us? राशि को लेकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। I know मैं आपको last minute invite दे रहा हूँ पर Mr. Parikh, मैं आपकी awkwardness समझ सकता हूँ। मैं तो नहीं आऊँगा लेकिन आप चिंता मत कीजिए, राशि को जरूर भेज दूँगा। I promise. Thanks. Dad, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। देखो बेटा, मैं वहाँ पे गया तो तुम्हारी मम्मी वहाँ से निकल जाएगी, वो भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। खुशी का दिन है, खामखा माहौल बिगड़ जाएगा बेटा। डैड, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम तुरंत बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाएंगे। बस आप चलेंगे ना मेरे साथ, प्लीज़।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।